नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों नीलम सभी लोगों के सामने लक्ष्मी को बेइज्जत करती है और बोलती है कि मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाओ। लेकिन दोस्तों वहां पर मलिष्का भी होती है, ऋषि भी, आयुष भी, सभी लोग होते हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी कुछ जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीका से लगातार लक्ष्मी की बेइज्जती हो रही है, आखिरकार कोई करे तो करे क्या, क्योंकि दोस्तों इस समय बेइज्जती लेवल जो हो चुका है वो घना ही ज़्यादा अलग हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इस समय लक्ष्मी की जितनी हो सकती है इतनी बेइज्जती करने की पूर्ण रूप से कोशिश की जा रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के लिए एक और भी बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा कहानी के अंदर। आप लोग जानते ही हैं कि लक्ष्मी एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने हमेशा से ही वाकई में पूरे परिवार का ध्यान रखा है, लेकिन नीलम को लगता है कि ऋषि के फादर का जो ये सब कुछ हो रहा है, जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वीरेंद्र का, क्योंकि उसका एक्सीडेंट के पीछे लक्ष्मी ही मनुष्य बताई जा रही है। जिस तरीका से मलिष्का ने सभी लोगों को बोला है कि लक्ष्मी जब तक इस घर में रहेगी कोई ना कोई हादसा होता ही रहेगा, कभी ऋषि के साथ में, कभी इसी फैमिली के किसी भी सदस्य के साथ में, इसलिए ही अब लक्ष्मी को इस घर से बाहर निकालने का निर्णय लेती हुई नज़र आ रही है नीलम। नीलम वो शख्सियत हैं कि जो अपने फायदे के लिए कितने भी गिर सकती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। अब देखना होगा कि हाँ किस तरीका से लक्ष्मी के साथ में ये लोग और गंदा बर्ताव करते हैं, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी के साथ में जितना हो सकता है इतना गंदा बर्ताव करने की पहले भी कोशिश हो चुकी है और एक बार फिर से नई कोशिश की जा रही है। आप लोग जानते ही हैं कि हमेशा की तरह की लक्ष्मी एक इतनी अच्छी लड़की है कि सबका बहुत ही अच्छी तरीका से ख्याल रखती है, लेकिन दोस्तों लक्ष्मी का कभी भी किसी ने भी अच्छे से ख्याल नहीं रखा है। अब लक्ष्मी के हाथ में कि वो किस तरीका से लोगों से बोलती हुई नजर आने वाली है। दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।